फ्रेंड्स, हमारे पास हार्सन कंपनी का चेंज ओवर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसको कैसे लगाना और इसका कनेक्शन कैसे करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है टाइप स्केल का 32 एम्पीयर 240 वोल्ट का है और इसका प्राइस यहाँ 1067 रुपये लिखा हुआ है, और ये मुझे सिर्फ 525 रुपये परचेस हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हम जल्दी से खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें हमको कैसा इंटरफेस मिल जाता है। तो ये हमारा वाइट कलर का हार्सन का जो है चेंजर हमारा है। इसमें आपको जैसा कि एक जो है छड़ी दिखाई दे रही है, इसको आप अगर बीच में करोगे तो हमारी घर की लाइन कट जाएगी, और नीचे करोगे तो जनरेटर से हो जाएगा, ऊपर अगर करोगे तो हमारा हो जाएगा बिजली से लाइन से, ठीक है। तो चलिए इसको खोलते हैं और इसका अंदर का इंटरफेस देखते हैं कि इसमें हमको कनेक्शन कैसे करना है, इसको कैसे लगाना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोग इसमें भ्रमित मत होइए और इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है और ध्यान से समझना है। आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि इसमें कनेक्शन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा कार्य है, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसमें एक काम ये करना है कि आपको इसको जहाँ पर मीटर हो आप इसको वहाँ पर लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें 4 छेद दिए हुए हैं, आप इसको अपने गुल्ली पेन से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही करेंगे, इसको अपने दीवार में लगा लेंगे, फिर आपको इसमें कनेक्शन कैसे करना है, जनरेटर के तार कैसे निकालने हैं और अपनी जो है घर की लाइन इसमें कैसी देनी है सारा सिस्टम बताएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको जल्दी से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसको अपने दीवार में लगा दिया है, अच्छे से नेट बोल्ट से टाइट कर दिया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम इस पर ना हो, ठीक है। आपको इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको भी अपने इसको दीवार में लगा लेना है, उसके बाद आपको कनेक्शन का। फ्रेंड्स, जो आपको नीचे वाले ऑप्शन दिखने हैं, इसमें हमको अपने जनरेटर के वायर लगाने हैं और ऊपर हमको अपनी घर की लाइन लगानी है और जो मीटर से जो हमारी लाइन आई है वो लगाने हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, बट आपको वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले अपने घर की लाइन के वायर और जो है जो हमारे मीटर से वायर आए हैं वो सबसे पहले इसमें लाते हैं, फिर कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ जो आपको येलो और ब्लैक वायर दिख रहा है, ये हमारे घर की लाइन के वायर हैं। जो आपको 2 जेड वाले वायर दिख रहे हैं वो हमारे मीटर से वायर आए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो ये हमारा कवर लगा हुआ है इसको हम निकालेंगे, फिर इसके नीचे हमको अपने वायर लगाने हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले निकालते हैं अच्छे से और उसके बाद इसको हम रख देंगे नीचे और फिर अपने वायर इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपना येलो वाला वायर जो हमारा मेन लाइन का वायर है इसको सबसे किनारे वाले में लगा देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से टाइट कर देना ताकि कोई भी वायर हमारा स्पार्किंग ना करे और जो है कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब हमको एक अपना लाइन का वायर जो है इसमें लगा देना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा लाइन का वायर है जो है जेड वाला, और एक जिसमें काला टेप चिपका हुआ वो हमारा न्यूटन का वायर है जेड वाला, ठीक है। मैंने एक में काला टेप चिपका दिया है और एक में काला टेप नहीं चिपकाया है। तो ये हमारा लाइन का वायर है और जो है जिसमें काला टेप लगा हुआ है वो हमारा न्यूटन का वायर है, ठीक है। तो मैंने एक अपनी घर की लाइन और जो है एक जो है जो मीटर से लाइन आई वो दोनों मैंने वायर इसमें लगा दिए हैं। अब हम दूसरे वाले का भी ऐसे ही कर लेंगे, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं अच्छे से और फिर आपको बताते हैं कि इसमें भी कैसे वायर लगाने हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें निकालने में, तो मैंने इसको भी निकाल दिया। अब हमको इसमें भी अपना जो है अपनी घर की लाइन के वायर एक न्यूटन वाला लगाना है इसमें, इस वाले में, और जो है एक वायर हमको लगाना है जो मीटर से आए हैं, ठीक है। तो मैंने लगा दिया। अब हम मीटर वाले वायर लगा देंगे इसमें अच्छे से और इसको अच्छे से टाइट कर देना ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना हो। तो हम इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे और फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने चारों वायर लगा दिए हैं और जो हम फिर उस पर इसके कवर जो को अच्छे से टाइट कर देंगे उसी तरह जैसे पहले इसमें लगा हुआ था। तो हम इसको भी जल्दी से लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर दीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कर दीजिए, और हमारा दूसरा चैनल है म्यूजिक का अमित सैनी ढोलक प्लेयर, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और हमारा एक और चैनल है टेक्निकल अमित सैनी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे सारे वायर ऊपर के लग चुके हैं, अब हमको इसमें जनरेटर के कनेक्शन करने हैं, तो जनरेटर के वायर लगाने हैं। तो इसको अच्छे से छीलेंगे और इसमें एक गांठ मार देंगे ताकि जो है हमारा वायर बाहर ना निकले, ठीक है।
तो इसको मैं गांठ मैंने मार दिया है। अब आपको ये कवर को निकाल लेना, जैसा कि मैंने पहले उस वाले में निकाल लिया है, तो आपको इस वाले में भी निकाल लेना है। उसके बाद इसमें कनेक्शन करना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर आपको इसमें कनेक्शन करके बताते हैं कि आपको इसमें कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे दो वायर हैं, एक न्यूटन एक जो है लाइन का वायर, ठीक है। तो इसमें हम जो है एक यहाँ पर लगा देंगे अपना जो है न्यूटन वाला, उसके बाद हमको लाइन के वायर लगाना है, ठीक है। तो एक में हम यहाँ पर लगा दें न्यूटन का, और नीचे वाले में एक में लगा देंगे अपना यहाँ पर येलो वाला फेस वायर, ठीक है। आपको नीचे वाले में लगा देना है, बस हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। जो हमारे जगनेटर के वायर हैं, जब हम इसमें जगनेटर लगाएंगे और इसको नीचे करेंगे, जो हमारा रॉड लगा है बगल में, इसको नीचे कर देंगे तो हमारा ये जगनेटर से हो जाएगा और हमारा जगनेटर से लाइट चलने लगेगी, ठीक है। जब हम इसको अपने एकदम ऊपर उठाएंगे तो ये हमारी लाइट से हो जाएगा, क्या तो हमारी लाइट से चलने लगेगा, ठीक है। और जब इसको बीच में रखेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ना जगनेटर चलेगा ना बिजली से, सारे घर की लाइन बंद हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी पॉइंट मिस हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे बहुत मूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।